हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आए हैं सिद्धू कानू पार्क। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं गेट कुछ इस प्रकार है और हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा, तो टिकट वो वाले काउंटर पर मिलता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर घुसते हैं। पार्क आप एंटर कीजिएगा, उसके बाद आपको पार्क के अंदर का व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग पार्क के अंदर घुसे हैं और बारिश हो रहा है हल्का हल्का, तो भींग भींग के वीडियो शूट करना पड़ रहा है। और पार्क के अंदर नज़ारा कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं व्यू काफ़ी मतलब सुंदर दिख रहा है। और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हम दिखाने का कोशिश करेंगे पानी में भींग भींग के। देख सकते हैं ये जो स्टेचू बना हुआ है, जो ढोल बजा रहा है, जो हम लोग के झारखंड का संस्कृति को दिखा रहा है इस पार्क में, जो कि यहाँ इसको 360 डिग्री में देख सकते हैं, मतलब इसका एंगल जो रोटेट किया हुआ है, जो काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और इधर भी नज़ारा मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं इसे, और इसे सुंदर दृश्य देने के लिए देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये जो फूल देख रहे हैं आप, जो यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ के लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से लगाए हैं, दिखने में एकदम काफ़ी मस्त और सुंदर दिख रहा है। तो देखिए आप लोग भी यहाँ इस पार्क में आके इस पार्क का आनंद लीजिए। इस पार्क का निर्माण श्री अर्जुन मुंडा ने 2004 ईस्वी में करवाया था, जो कि बहुत पुराना है ये पार्क, जो कि सिद्धू कानू नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा रांची जो ये एरिया है मोराबादी में पड़ता है, जो कि दिखने में ये नज़ारा काफ़ी सुंदर है। आइए और आप लोग यहाँ आके आनंद लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे सिद्धू कानू जी के मूर्ति के नीचे, ये वाटर का बना हुआ है फ्लोर या फ्लावर या अरे कहना क्या चाहते हो, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे इतना पता है कि इससे पानी ऊपर जाता है और जो पानी का दृश्य है, पानी भी नीचे आता है और जो इसका दृश्य है काफी मतलब सुंदर नजर आता है। तो राज, इस पार्क में तुमको आके कैसा फील हो रहा है, कुछ बता दो। बस यही मजा राजा जी। और रुपेश, जो कि इनका बाल काफी ज्यादा गिर रहा था, गजब बेइज्जती है, तो टकला हो गए हैं। और रुपेश बता दीजिएगा, मैं बताइए ना कुछ अपना, मतलब आप टकला क्यों हुए थे, क्यों हुए थे, इतना 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 मत शर्माइए इतना। अच्छा अच्छा, आप बता दीजिए कि पार्क के अंदर आके आपको कैसा फील हो रहा। बहुत मस्त पार्क है, आइए यहाँ घूमिए, सारे जगह लवर्स लोग दिखेंगे, कोना कोना में बैठ के मिलते जाइएगा। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। ठीक है, मिलते जाइएगा। आप लोग भी आ सकते हैं। बहुत से लोग मुझे पिछले वाले पार्क में पूछे थे कि क्या कपल एंट्री है, और ये इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। मेरा भाई है जिसका फर्स्ट व्लॉग लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियोग्राफर दोस्त को कितना सामने से वीडियो बना रहा है। तो
देख सकते हैं पार्क के अंदर एक छोटा सा तालाब बना हुआ है जिसके अंदर काफी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है और उसमें हंस जोड़ा का फोटो बनाया हुआ है। हंस जोड़ा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। ये पार्क काफी बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, देख सकते हैं उधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी और उधर भी। इका है गन्ना? गन्ना गन्ना नहीं है, क्या चीज है पता नहीं। सेम गन्ना से लग रहा है। इस पार्क में काफी ज्यादा फूल भी है, काफी सुंदर सुंदर फूल, तो आप फूल का भी वीडियो देख लीजिएगा यहाँ का। अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेन, क्या चीज है, ट्रेन गाड़ी, और यहाँ पे यहाँ ट्रेन बोले तो रेल गाड़ी है यहाँ पे, जो कि आप बच्चों के लिए है और बूढ़ों के लिए और कपल्स के लिए भी है। तो यहाँ पर अगर यहाँ सफर कर नहीं सक रहे हैं, अगर इतना बड़ा है घूमने नहीं सक रहे हैं, तो यहाँ रेल बनाया हुआ है, आप लोग रेल में भी सफर कर सकते हैं। वाला है ट्रेन का टिकट कटता है इसी काउंटर पे, ये है टिकट देता है यही लड़का, पत्ता तोड़ के टिकट देता है। गेट बंद है, यही पे ये टिकट देगा, टिकट देता है। टिकट लो, पकड़ो टिकट पकड़ो। देखिए हम लोग टिकट बेटा, बहुत बढ़िया कटा लिए हैं। यही है ट्रेन का पटरी, जो कि रेल, आप लोग एक्सीडेंट हो सकते हैं इसमें, यहाँ पे ना चले, इसमें यहाँ पे ना चले। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग अभी ट्रेन का पटरी में है, गिरते गिरते बच रहे हैं। ये वाला ट्रेन वाला पटरी, जो कि ट्रेन अभी बंद है, आप लोग को ट्रेन के लिए टिकट कटाना पड़ेगा। और यहाँ के जो देख रेख करने वाले जो भैया है, जो अंकल है, वो अभी ट्रेन को फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि इस ट्रेन से एक बड़ा हादसा हो गया था। इसी ट्रेन से 2-4 कीड़े मकोड़ा का मौत हो गया था, जो कि ये वाला ट्रेन वाले पटरी में रेंगा करते थे। एक रेंग रहा है, रेंग रहा वो नहीं दिखाएंगे, कहे कि कैमरा हम लोग का काफी छोटा है, हम लोग गोप्रो से वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। देख सकते हैं ट्रेन का मुख्य द्वार, देख सकते हैं ये ट्रेन को आप लोग दिखा रहे हैं, ये है ट्रेन का डब्बा, एक ही ट्रेन है इसमें, एक बुलेट ट्रेन है ये वाला, और ये वाला मेट्रो है रे, बुलेट है, मेट्रो है, मेट्रो। देखिए ये वाला, इसका इसका शीशा बोले तो, देखिए इसका शीशा दर्पण, जो कि काफी पारदर्शी है, आर पार एकदम काफी खतरनाक टाइप से दिखता है। हॉल हो गया, वो दिखा रहा, स्टीम वाला भी देख सकते हैं। चलो चलो, हम लोग का रेलगाड़ी देख सकते हैं, रेल बंद था इसीलिए हम लोग आदमी को ही रेल बना के चलवा रहे हैं इसमें। गिरेगा। यहाँ पार्क के अंदर में देख सकते हैं बड़ा सा शंख है, इसे मेरा दोस्त फूंक के बजाने का कोशिश करेगा। कहाँ बजता है रे? बस हवा निकल गई, नहीं बजा। अच्छा ठीक है, हम साउंड डाल के बजा देंगे, एक बार फूको। देख सकते हैं काफी मस्त एकदम बजाया है शंख का आवाज, आप लोग सुने होंगे अभी, काफी मस्त बजाता है मेरा भाई। इसका अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, अब क्या ही बोल सकते हैं। मोटा भाई भी फूकने जा रहा है, देख सकते हैं छेद है तभी ना फूकेगा रे उसमें पागल। यहाँ पे हम लोग के झारखंड के संस्कृति को दिखाया गया है, जो कि पहले जमाने में मुर्गा लड़ाई और जो पहले लोग कैसे जीते थे उसको दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ बनाया हुआ है, और इधर पे देख सकते हैं हम लोग के झारखंड के सांस्कृतिक डांस, जिसे हम लोग झूमर के नाम से जानते हैं, उसे खेल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जी कैसे अंग्रेजों से लड़ाई करके हम विजय प्राप्त किए थे, उसको दिखाया गया है तीर धनुष के माध्यम से। और इधर देखिए, इधर भी काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब बताया। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा वाटर शेड बनाया हुआ है, जो कि अभी अधूरा है, अभी इसे पूरा किया जाएगा, जो कि वो वाटर वहां पे जाके गिरता है सिद्धू कान्हू जी के पैरों चरणों के नीचे। यहाँ ये अजीबो गरीब फल सिद्धू कान्हू पार्क के अंदर देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है यहाँ मधुमक्खी अपना छत्ता बनाए है, उस प्रकार का ये फल है। क्या मोती
मोती रहेगा रहे, मोती ऐसे रहता है सही बात है। और राज कुछ बताएगा इस पार्क में टिकट जो हम लोग टिकट लिए थे इस पार्क का टिकट का लिया था पर टिकट का कितना रुपया लिया पता नहीं पर हम लोग 4 टिकट लिए हैं तो 60 रुपया लिया था और हम लोग अभी वीडियो हम लोग का शूट खत्म हो चुका है और वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं और अगर बहुत ज्यादा हम और नहीं बोल रहे हैं आप लोग को नहीं लग रहा इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा ठीक दिखेगा इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये भाई का वीडियो अगर सही लगता है तो और इसे भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग के आदि मानव जी चढ़ रहे हैं यहाँ, ये काफी पहले जानवर थे, जानवर की तरह जो कि चढ़ रहे हैं ऊपर में, ये डिस्कवरी करते हैं कीड़ों मकोड़ों का। वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है और चैनल में नए होंगे तो मेरा दोस्त लोग आप लोग को बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी करते हैं और इंस्टाग्राम में तो फॉलो किए होंगे जानते हैं आप लोग को और नहीं किए होंगे तो कर दो ना यार, क्या चीज का वेट कर रहे तुम लोग। और मेरा मोटा भाई को भी लेना चाहते हैं लेकिन वीडियो में आना नहीं चाहता है देखिए। और ये जो इसी को मोबाइल पकड़वा के रखे थे इसका हाथ दर्द देने देता होगा। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मेरा चल चल के टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल जोहार झारखंडी सबको।